नमस्कार दोस्तों, प्रयास के प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रयास परिवार ने आज तक जितने भी आपके आरपीएससी के प्रमाणिक एग्जाम हुए उसमें चार पहली रैंक देकर आपकी श्रेष्ठता जो है लोगों के बीच में विश्वसनीयता जो है वो हासिल की है। और आज वही आपके प्रयास परिवार जो है आरपीएससी की ग्रेड सेकेंड आज का जो पेपर आपके आयोजित हुआ है 21 दिसंबर 2022 का, उसका जीके का पेपर लेकर हमारी टीम एक प्रमाणित हल लेकर आपके बीच में क्या हुई उपलब्ध हुई है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक जो आपके पूछा गया वो है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी। बहुत शानदार प्रश्न है जो एग्जाम पूछा गया। अजमेर व भीलवाड़ा, कोटा व उदयपुर, बीकानेर व अजमेर और जोधपुर। तो इसका सही जो आंसर है वह आपके जोधपुर में, तो चौथा विकल्प इसका सही होगा और ये पहले क्वेश्चन का सही आंसर है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर दो जो है वो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सम्मिलित नहीं है, जो 2022 में ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो इसका सही जो आंसर है वो नंबर तीन है, क्योंकि खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जो है ये खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल ये सम्मिलित नहीं थे और सॉरी सम्मिलित थे और फुटबॉल इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर तीन जो है वो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तीन कि माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है श्री मधुकर गुप्ता। ये सीनियर आईएएस आपके राजस्थान के रहे हैं और वर्तमान में इनको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यह तीसरे क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर चार जो है कि वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है ये उन टीचर्स को दिया जाता है जिनका वेल एजुकेशन रिकॉर्ड होता है, 100% रिजल्ट होता है और कुछ ना कुछ नया उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कितना शानदार प्रश्न है, ये आपके श्री दुर्गाराम मुवाल तथा सुनीता गुलाटी को दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच जो है वह आपके ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पांच कि 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प एक है मलेशिया, दो बांग्लादेश, तीन अफगानिस्तान और चार जो है वो है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है आपके बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने क्या की, जियारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर छह, बड़ा शानदार प्रश्न आपके आया है कि राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान में किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन किया है। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना, कि तेलंगाना के साथ में आपके स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके क्वेश्चन नंबर सात, बहुत शानदार प्रश्न है जो आपके एमएसएमई को लेकर पूछा गया है और इसमें एमएसएमई चर्चा में भी है क्योंकि हमारी सरकार मीडियम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लगातार काम कर रही है। और क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है करौली, कि इन्हें द्वितीय स्तर पर आपके जो है पुरस्कार दिया गया है और ये द्वितीय पुरस्कार इसने प्राप्त किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर, बड़ा शानदार प्रश्न है के राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे, कि कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे। तो इसका सही आंसर नंबर दो है कि 5 करोड़
आपको पता है कि तुलसी, ग्लोए, अश्वगंधा इस कोरोना काल के समय में, तो ऐसे पौधे लगाने का क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है, कितने करोड़, 5 करोड़ रखे हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा है स्कीम पर कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है, तो 800 करोड़ का बजट रखा गया है और ये बहुत बड़ा बजट है जो राजस्थान सरकार के द्वारा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिएगा कितना शानदार प्रश्न आरपीएससी के द्वारा दिया है, बड़ा स्तरीय प्रश्न है, वह राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई, 2020, 2021, 2022 और 2019। तो इसका सही आंसर है 2021 में लागू की गई। कब लागू की गई, 2021 में लागू की गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कितना शानदार प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है, तो पुलिकट झील जो है वो आपके तमिलनाडु के तट पर स्थित है, पूर्वोत्तर जो भाग है उस पर यह स्थित है, जो पूर्वी तट है जिसे आप कोरोमंडल तट कहते हैं वहां पर पुलिकट झील स्थित है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मध्य। वैसे पुलिकट झील यूं भी चर्चा में है क्योंकि इसके बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप है जहां से अंतरिक्ष जो है यान प्रक्षेपित किए जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम और ये अपनी करंट की बुकलेट से गागर में सागर जो प्रयास की चलती है ना उससे ये लिया गया क्वेश्चन। कितना शानदार प्रश्न है और ये पेज नंबर 51 पर, हम तो आपको प्रूफ सहित इस चीज को बताएंगे कि पेज नंबर 51 पे गागर में सागर जो आपकी पुस्तक है महिपाल जी सर के निर्देशन में बनी है उस पुस्तक में से ये क्वेश्चन पेज 51 से आया है। कि हम यूं ही नहीं कहते पुख्ता सूचना या पुख्ता बात, हम यूं ही नहीं रखते क्योंकि हम करके दिखाते हैं और हमने करके दिखाया है बार बार, 4 रैंक हमने दी हैं और आप देखना पेज 51 में गागर में सागर में से एक क्वेश्चन आपके लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिक्किम, कि ये कहां स्थित है, सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम, सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपके जो स्थित है मेघालय में स्थित है और ये गारो, खासी, जयंतिया जो 3 पहाड़ियां हैं कीपाकार या यूं कहिएगा कि घोड़े की नाल के समान जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और मेघालय हो, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बेलाडिला लोएस की प्रसिद्ध खान, बेलाडिला लोएस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन राज्य स्तरीय पेपर सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है उसमें ये क्वेश्चन 18 दिसंबर को पूछा गया और वही प्रश्न आज के आपके एग्जाम में आया कि बेलाडिला लोएस की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर आपके छत्तीसगढ़ है, बस्तर के पठार पर है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्गत खान है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है, देखो फिर से आपके क्वेश्चन आया जो आपके गागर में सागर में पेज नंबर जो है आपके, आपको मैं पेज नंबर सहित इसको बताऊंगा कि ये पेज नंबर 103 पर आपके स्थित क्वेश्चन, वहां से ये क्वेश्चन है, वहां पे आप देख सकते हैं गागर में सागर में जाकर कि ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है तो वो क्या है आपके डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 17 काल बैसाखी से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तो काल बैसाखी से संबंधित कौन है, पश्चिम बंगाल है। काल बैसाखी एक प्री मानसून वर्षा के तौर पर जानी जाती है और एक तूफान है, बवंडर टाइप में है, वर्षा बहुत अधिक होती है, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो है वो ये रहा स्क्रीन पर कि जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार नियम, फुटकर जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किया जीके जिफ ने, एम सफर ने, एम एस ली ने और डब्ल्यू जे रेली ने,
तो ये जो है आपके सिद्धांत दिया डब्ल्यू जे रेली ने, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जो आपके दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ये रहा आपके सामने स्क्रीन में कि भारत में 2021-22 में जोड़े गए 2021-22 में जोड़े गए मूल्य में कृषि में संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। ये इसका सही आंसर होगा 18.8%, इसका सही आंसर है। और ये हमारे जो नवीन जी सर हैं उनके नोट्स जो हाल ही में आपके डाले गए थे टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां इसका उल्लेख किया गया है और वहीं से इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 20 के 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। पहला आपके विकल्प उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व होना, उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होना, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। तो इसका सही है कि निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का क्या होना, स्वामित्व होना, ये इसका उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है डॉल्फिन कटर। देखो कितना शानदार जो क्लास में आपको बताया गया वही प्रश्न आपके सामने है कि डॉल्फिन कटक स्थित है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिन, चैलेंजर दोनों ही कटक आपके अटलांटिक में है, एक उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक, तो ये उत्तरी अटलांटिक में है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर, अश्व अक्षांश संबंधित है हिमनदों से, वर्षा से, रेगिस्तान से, पवनों से। तो अश्व अक्षांश का संबंध पवनों से है, ये उच्च दाब का केंद्र है जो आपके 30 से दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में बनता है, और ये दोनों ही गोलार्धों में बनता है उच्च दाब का केंद्र, और इसका संबंध पवनों से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना सिंपल और सरल क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो ये रहा कि निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा, 1976-77, 1984-85, 1989-90 और 1958-59। तो इसका सही आंसर है आपके 76-77 में रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया, मत्स्य पालन, बचत बैंक, कॉपीराइट, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। तो इसमें बचत बैंक को शामिल किया गया, दो आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर, मेरवाड़ा को आवंटित सीटों की संख्या थी 2, 4, 3, 1, तो उसको एक सीट दी गई थी। तो इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है, हर बार उनका स्तर ऐसा होता है सरल भी थोड़ा कठिन भी। तो उसमें से एक क्वेश्चन है कि 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 54%, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। फिर है भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने एवं भारत के को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो देखो ये क्वेश्चन भी अपनी बुकलेट गागर में सागर के पेज 92 पर आप जाकर देख सकते हैं, और इसके लिए हमारे यहाँ पर भारत सरकार जो है वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लेकर आई, और ये पेज 92 पे मिलेगा। देखो इसे देखना ना भूले कि ये पेज 92 पर गागर में सागर पुस्तक में आपको ये देखने को मिलेगा। हूबहू क्वेश्चन देखो आपके उस बुकलेट से आए हैं, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको उस बुकलेट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 28 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर, बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए
भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है 35(1). ये जो है इसमें ये शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन 29, देखो आपके पॉलिटिकल के क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स कोई लेकर उपस्थित नहीं हुआ। सबसे पहले प्रयास एजु हब, प्रयास जो आपके प्लेटफॉर्म है वहां लेकर आए हैं, और मैंने आपको कहा कि एक बहुत विश्वसनीय संस्थान है जो सबसे अतुल्य कार्य कर आपको दिखाता है। चार चार रैंक यूं ही नहीं दी हमने, चार 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 पहली रैंक यूं ही नहीं दी आरपीएससी के एग्जामों में, आप देख सकते हैं। और हम ये क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं 29वां क्वेश्चन, और ये कूट में दिया गया क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिएगा, कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनेगा, जैसे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, और उस समय आवंटित सीटों की संख्या 8, 20, 5, 16। तो इसका सही विकल्प 3 नंबर होगा। जैसे मद्रास की जो सीटें हैं वो 20 थी उस समय, और आपके बंबई की जो सीटें थी वो 16 दी गई थी, और इसके अलावा मध्य प्रांत बरार की जो थी वो 8 सीट थी, और शेष बची 5 सीटें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, और बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया है, और वो ये रहा है स्क्रीन पर कि निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो वो है इसका सही आंसर मेहर चंद खन्ना, ये नहीं रहे थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा स्क्रीन पर 31वां क्वेश्चन कि भारत सरकार कार्यकरण नियम, ये भी आपके कूट वाला एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, और 4 विकल्प इसमें दिए हैं कि भारत सरकार के नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना, भारत के महान्यायवादि की नियुक्ति और पद त्याग और पद से हटाया जाना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अंतरराज्यीय परिषदों की स्थापना। तो इसका पहला विकल्प सही है कि ए और सी दोनों ही सही है, ए और सी दोनों ही बिंदु क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 32वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, अब देखिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के, संविधान के अनुच्छेद 51 के में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में उल्लेखित, मतलब काफी थोड़ा घुमा फिराकर क्वेश्चन को दिया है, शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? भाषा, प्रदेश या वर्ग, और धर्म, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, भाषा, धर्म और प्रदेश या वर्ग, प्रदेश या वर्ग, धर्म और भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नंबर 2 विकल्प कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया? तो इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा चिकित्सा सहायता को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नांकित में से कौन दी, निम्नांकित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं? सी राजगोपालाचारी, हावर्ड अल्टमैन, स्टैनले ए कोचनिक और पीलू मोदी? तो इसका 2 विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लायर समूह और वाजनर समूह? तो न्यूक्लियर सप्लायर समूह का भी भारत सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने कि भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? केवल अनुच्छेद 74, 75, केवल अनुच्छेद 74, 75, 76, केवल अनुच्छेद 74, 77, 78, और केवल अनुच्छेद 74, 75, 77। तो इसका सही विकल्प 1 नंबर होगा कि 74, 75 और 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें नंबर का कि निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु
हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है। पहला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा समाजवादी पार्टी और चौथा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही जो विकल्प है वह आपके देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें कि निम्नांकित में किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर भाग नहीं लिया, तो वह आपके समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने इसमें क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया था। निम्नांकित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है, अनेनेस, जोसेफ स्टिग्लिट्स, रॉबर्ट केहोन और जोसेफ एस नॉय। तो इसका सही जो आंसर होगा वो नंबर दो होगा कि जोसेफ स्टिग्लिट्स जो है इन्होंने अमेरिकीकरण से क्या किया है, संबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की और प्रायोगिक मनोविज्ञान की। तो इसका सही जो आंसर है वो है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर, 40 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और सोचनीय क्वेश्चन भी है कि आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर एक होगा कि वाई डी आइजन होवर जो है वो आधिकारिक तौर पर पहली यात्रा पर रहे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके निम्नांकित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिप्रेटेशन कमीशन का अध्यक्ष थे, जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्ध बंदियों की नियति का फैसला किया था। तो वो कौन थे, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसका सही जो विकल्प होगा ये हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष के एस थिमैया जो समय थे वो इसके क्या रहे थे आपके न्यूट्रल नेशंस जो रिप्रेटेशन कमीशन का था उसके ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर और बहुत ही शानदार ही प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कि विकास क्रम में एकरूपता, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है और निरंतरता का सिद्धांत और व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर दो नंबर है कि विकास विशेष से सामान्य की ओर क्या है, चलता नहीं है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 43 जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आपको पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों है, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है और शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर 44 और देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है, कि वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता, वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है। तो आप ये जानते हैं कि वृद्धि जब भी होती है, शारीरिक जब भी वृद्धि होती है तो कोशिकाओं और अवयवों के आकार में सदैव परिवर्तन होता है। मानव है, उसका बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो आकार में क्या होता है, परिवर्तन और प्रतिबिंबित भी होता है। तो दूसरा विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने कि कथा में कक्षा में अधिगम पर विशेष निर्धारित करने वाले थोर्नडाइक का कौन सा योगदान है, कि थोर्नडाइक जो है बहुत बड़े आपके जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कि कौन सा योगदान है, मानसिक विन्यास का नियम, संलग्नता का नियम, विपरीतता का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसका सही आंसर है प्रभाव का नियम थोर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कि जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने से सुगमता प्रदान करता है, यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है, कि पार्श्विक अधिगम
गमांतरण, उल्टा अधिगमांतरण और द्विपार्श्विक अधिगमांतरण और अनुक्रमिक अधिगमांतरण। तो इसका सही आंसर 3 नंबर होगा कि द्विपार्श्विक अधिगमांतरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि विकास के सिद्धांतों किस संदर्भ, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। कि विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं और विकास क्रम से होता है। तो इसका सही जो है वो 2 नंबर विकल्प है कि ये सही नहीं है कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास तो सदैव क्रमबद्ध होता है। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से कौन सा विकल्प साचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन, चिन्ह निरीक्षण अधिगम, आदत आदि होना, या आदत या आदि होना। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो है इसका सही आंसर होगा कि ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मॉडर्न और प्रेट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा। गौण विशेषक, केंद्रीय विशेषक, प्रधान विशेषक और मूल विशेषक। तो इसका पहला आंसर सही होगा, 1 नंबर गौण विशेषक को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। हूबहू नोट्सों से, प्रयास के नोट्सों से क्वेश्चन आया है। हमारे जो सर हैं मनोविज्ञान के सर MS राठौर सर, रतन जी सर, उनके नोट्सों से क्वेश्चन है। और इसका जो सही जो विकल्प है वो 2 नंबर होगा कि संवेगात्मक बुद्धि होगा, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट आपके 51 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा। तो प्रासंगिक अंतर्बोध भी ठीक है, शब्द साचर्य भी ठीक है, स्याही धब्बा तो सब जानते ही हैं। तो इसका ये जो है चयन क्या होगा, गलत होगा कि 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण इसमें काम नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 के हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं उत्साहित, गुस्सैल, विषादग्रस्त और निरुत्साहित। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके 3 नंबर होगा, विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक कहा जाता है, मेलेनकोलिक उसे कहते हैं। नेक्स्ट आपके 53 क्वेश्चन है कि विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मौसलो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। तो इसका पहला आंसर सही होगा कि अपनेपन की आवश्यकता। तो 53 का पहला आंसर सही है, ये याद रखना। 54 जो है समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ी मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह है। तो इसका सही आंसर 3 नंबर होगा, 3 नंबर अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है यदि वो नई चीज खोजता है, तो 3 नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी था। तो ये है मूल संबंधी तत्व, आत्मनात्मक तर्क तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व और विचारण की शब्द क्षमता। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपके 1 नंबर होगा कि मूल संबंधी तत्व होगा, कि मूल संबंधी तत्व या स्रोत संबंधी तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा कि प्रकृति में से सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है, इस वितरण को कहते हैं सीधी रेखा वक्र, एस आकार का वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र और ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। तो मित्रों इसका सही आंसर नंबर 3 होगा कि सामान्य संभाव्यता वक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रत,
अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना और अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। देखो क्वेश्चन देख ले, व्यवहार व्यक्ति की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है, तो इसका दो नंबर आंसर सही होगा। कितने नंबर? दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा स्क्रीन पर कि निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले कभी नहीं होते ऐसे लोग, तो इसका एक नंबर ये जो है सही होगा, क्योंकि बाल अपराधी आप जानते हैं जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं उनमें मामला बड़ा गंभीर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा स्क्रीन पर। अब देखें निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन प्रतिक्रिया देना, छात्रों को किसी आदर्श को दिखाना जिसने समान कार्य में सफलता प्राप्त की हो, विद्यार्थी के समान कार्य पूर्व में मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रेरणा की अनुभूति देना और विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्पोर्ट की सहायता को देना। ये चौथा जो है इसका सही आंसर होगा कि ये बढ़ोतरी नहीं करता है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा स्क्रीन पर। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है तो अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है जिससे विद्यार्थी को सोचना पड़े, इनमें से सही विकल्प छांटे जा सके उसके व्यक्ति दर्शाता है। तो इसका सही आंसर एक नंबर होगा, यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति को क्या करता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं पहले ही कहता था आपसे क्लास में कि गाय और भेड़ की नस्लें आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन गाय और भेड़ की नस्लों से आपके आते हैं कि चौकला नस्ल है तो चौकला नस्ल किसकी है, भेड़ की, तो ये आपको देखना है और इसका सही आंसर भेड़ होगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपके कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, हमारे सर ने आपको बताया था, एमपी सर ने, और बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका आंसर जैसलमेर होगा, तीन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो ये रहा है स्क्रीन पर आपके कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? दामोर, कंजर, गरासिया, सांसी, तो चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है, तो ये आप ध्यान में रखें। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 64 दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, कि आबू पर्वत पर स्थित है, कि आबू पर्वतीय क्षेत्र में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वह राजस्थान में अरावली पर्वतों की निम्नलिखित में चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखो ये आपके सामने दी हुई है और इसका आरोही क्रम पूछा गया है, कौन सा क्रम पूछा है, आरोही क्रम, ये देख लें आप। 65 नंबर क्वेश्चन है कि तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, आपको पता है तारागढ़ जैसे 870 या 873 मीटर है, अचलगढ़ जो है वो आपके 1380 मीटर है, कमलनाथ जो है वह आपके 1001 मीटर है और रघुनाथगढ़ जो है वो आपके 1055 मीटर है। आरोही क्रम पूछा है तो ए सी डी बी दो नंबर विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा। फिर एक क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे विद्यार्थी का मनोबल बना रहे कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले से, आप जानते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो जिलों से गुजरती है, इसका सही आंसर बांसवाड़ा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 67 कि मेजाबान किस नदी पर स्थित है, और मेजाबान आपके कोठारी नदी पर स्थित है और ये भीलवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा स्क्रीन पर, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 68 देखो कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, 74, 75, 69, 70, 71, 72 और 78, 79, तो इसका सही आंसर होगा सन 1978 और 79 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है आहाड़, कालीबंगा, बालाथल और गणेश्वर, तो गणेश्वर ये कालीबंगा सभ्यता जो है इसका सही आंसर होगा, मेपाली सर के नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं क्वेश्चन नंबर 70 है कि गुप्त कालीन संख्य लिपि में लिखे लेख मिले हैं,
तो गुप्तकालीन जो उत्तर गुप्तकालीन है ये बैराट में मिले हैं, तो इसका एक नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, कि खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो आप तो सब जानते हैं कि भरतपुर का एक प्रसिद्ध युद्ध रहा है खानवा का युद्ध, तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 72 की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई आरंभिक वर्ष है, तो इसका 2007 में की गई RKBY, तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर 73 क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको क्लास में पढ़ाया भी गया था कि इसका सही कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो बीकानेर, नागौर और चूरू। आपको बताया भी गया था कि उपाद्र और अर्धशुष्क के जिले जितने भी आपके मैक्सिमम आते हैं वो सब के सब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं, और राजस्थान में ये सबसे अधिक भाग पर मिलने वाले वन है। देश में पर्णपाती वनों में नम पर्णपाती मिलते हैं और राजस्थान में शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सुमेलित कीजिएगा मध्य भारत, 14 नंबर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुमेलित करने का, है कि राजपूताना मध्य भारत, मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ सभा, मारवाड़ सेवा संघ सभा और आचार सुधारणी सभा 1910, 1920, 1919, 1918। इसका जो सही आंसर होगा वो एक नंबर होगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा आपके 1918 में बनी, राजस्थान सेवा संघ जो है 1919 में बना, मारवाड़ सेवा संघ 1920 बना और आचारणी सुधारणी सभा 1910 में बनी, तो पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी, तो मत्स्य संघ जब बना तो आपके जो रियासतें थी वो आपके चार रियासत थी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये तीन जो है आपके, तीन नंबर जो विकल्प है वो आपके सही होगा कि ABCD के नाम से आप जान सकते हैं कि कितनी रियासतें थी, चार। नेक्स्ट है आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माण करता है तेजपाल, विमल शाह, धरनाक शाह और वस्तुपाल। तो इसका दो नंबर आपके सही विकल्प होगा कि विमल शाह जो है आबू में जैन मंदिर विमल वसई के क्या थे, निर्माण करता थे, तो दो नंबर इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 ये रहा स्क्रीन पर, आप देखते जाइएगा क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैशन मारा गया था, तो वो था चेलावास का युद्ध जिसमें मैशन की हत्या कर दी गई थी, मैशन मारा गया था। तो दो नंबर विकल्प आपके सही होगा, भिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर चेलावास है। फिर आपके कितना शानदार क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि नगर के स्कल्पचर से लेकर जरूर आता है कि अजमेर नगर बसाया गया था, तो ये अजय राज ने बसाया था, तीन नंबर विकल्प इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा स्क्रीन पर आपके, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जयपुर के कौन से शासक शुभ संगीताचार्य थे, कि कौन से शासक थे जो संगीताचार्य थे, वो थे प्रताप सिंह, बहुत बड़े संगीताचार्य थे, संगीत में इनका बड़ा वो था। फिर देखिएगा आप शेखावटी का एक प्रसिद्ध नृत्य गींदड़ नृत्य, आप जानते हैं कि शेखावटी क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर अपने ही क्षेत्र से पूछा गया है, तो इसका पहले नंबर का क्या होगा, आंसर होगा। फिर है आपके कानड़देव प्रबंध के रचयिता है, तो कानड़देव प्रबंध जो है इसके रचयिता पद्म नाव रहे हैं, तो दो नंबर इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, ये पूछा गया बड़ा शानदार क्वेश्चन है और अपने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन एज इट आया, हूबहू ये क्वेश्चन आपके मिला है। फिर आपके निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे, तो इसमें भी है लगा हुआ है, इस है से समझ सकते हैं हरिराम दास सिंहथल में, तो ये आपके बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 83 के निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विभाग के रस्मों से संबंधित नहीं है, कि बंदोली, समेला, कर्णभेद, कंकण बंधन, तो आप जानते हैं कि सब विवाह की रस्म से है, कर्णभेद जो होता है, कर्ण छेद, कर्णभेद जो कहा जाता है, इसका विवाह से संबंध नहीं है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन 84 संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है, तो वो रहा है कुम्मलगढ़ का किला, ठीक है, जंगलों के बीच
यह आश्रय स्थल आपके मेवाड़ राज परिवार का रहा है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नांकित में से राजस्थान के किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो मुगलों की कला का सबसे अधिक प्रभाव किस पर रहा है? जयपुर शैली पर रहा है। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये लास्ट स्क्रीन पर आप देखेगा, मतलब आप ये देखेगा कि प्रयास को जिसने पढ़ा, प्रयास परिवार में आकर जुड़ा, 70-80% क्वेश्चन वो वैसे ही वो हल कर रहा होगा, क्योंकि उसने उसको वो प्रमाणिकता के साथ पढ़ा गया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। यूं ही हम फर्स्ट रैंक नहीं देते। तो देखिएगा, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से है? तो इसका सही आंसर होगा करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल से मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, ये रहा इसके ऊपर, निम्नांकित में कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो इसका सही आंसर होगा वस्त्र से रहा है। पोमचा आप जानते हैं जयपुर का एक प्रसिद्ध वस्त्र है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। फिर आपके मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो बंगाल अभियान में वो शामिल नहीं थे। 3 नंबर विकल्प इसका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? 361(2), 361(3), 361(ए) और 361(1)। तो इसका सही विकल्प 2 नंबर होगा, 361(3) से, कि वहां पर ये जो है कोई आदेशिका नहीं निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, ये रहा स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा प्रश्न और ये अपने टेस्ट से हूबहू आया है और एक करंट की बुकलेट में भी है। मैं अभी आपको पेज नंबर भी बताता हूं कि थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये पेज नंबर 15 पर है, 15 पर। इस बात को हम जो है बड़ी उत्साह के साथ में कहते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रिंटिंग नोट्स है, जो हमारी बुकलेट्स हैं, आप उनको पढ़िएगा, उनसे जुड़िएगा, और जो जिनके पास में है वो पेज नंबर 15 पे जाकर गागर में सागर पुस्तक को आप देख सकते हैं, वहां ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेगा या हूबहू आपके क्वेश्चन मिलते हैं। हम इसीलिए दावा नहीं करते, क्योंकि मिलते हैं इसलिए हम दावा करते हैं। और इसका सही आंसर है बाड़मेर, कि 3 नंबर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो देखिएगा स्क्रीन पर, कि करवा चौथ मनाई जाती है। तो करवा चौथ आप जानते हैं कार्तिक के महीने में आती है और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये आपके मनाई जाती है। 2 नंबर इसका विकल्प सही होगा और ये बड़ा एक प्रसिद्ध त्योहार है। और आप देखिएगा इसी दौरान का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में करवा चौथ है, तो वहीं से एक क्वेश्चन आपके आया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे 1962 में? टीकाराम पालीवाल, हरदेव जोशी, बरकतुल्ला खान और जगन्नाथ पहाड़िया। इसका सही आंसर 1 नंबर होगा, टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है आपके 93 क्वेश्चन है, और 93 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कि राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो वो आपके रहे हैं बी एल माथुर। सबसे लंबे समय तक आपके मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव ये रहे हैं राजस्थान सरकार में। क्वेश्चन नंबर 94, बहुत सरल क्वेश्चन और बहुत सही क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन है कि राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मेस पोर्टल या इंफॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है कलराज मिश्र, जो वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो ये रहा स्क्रीन पर, कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह जो पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं, और वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे। क्वेश्चन नेक्स्ट 96 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, कि 96 क्वेश्चन, कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है, 93, 94, 95, 92, तो विघटित करने की शक्ति जो प्राप्त है वो आपकी 94 है। किस धारा में? कि 94 नंबर की जो धारा है उसमें ये शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? महाधिवक्ता तो दो नंबर विकल्प से होगा, 177 के तहत वो उसमें भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 के निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है और उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, तो इसका सही है कि उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये कटौती के प्रस्तावों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा स्क्रीन पर कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? एमएस टाप, एचएन मीणा, जीपी प्लानिया, एलएल जोशी। तो जीपी प्लानिया जी जो हैं ये नहीं रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तीन नंबर विकल्प होगा, जीपी प्लानिया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन से सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? नमो नारायण मीना, आर के अकोदिया, बी एल जान जोशी और जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो वो रहे नमो नारायण मीना, ये आईजी भी रहे, बाद में दौसा लोकसभा सांसद, सवाईमाधोपुर सांसद भी, ये सवाईमाधोपुर सांसद रहे, दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन ये अपने भाई के सामने हार गए थे। तो ये सबसे कम अवधि के लिए अपने पद पर रहे थे। तो इसी के साथ ऐसे सॉल्यूशन लेकर एक प्रमाणिकता के साथ प्रयास के प्लेटफॉर्म पर, प्रयास एजु हब पर आप जो है आपको ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ये जीके का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं और कहते हैं कि हिम्मत ए मर्दे तो मदद ए खुदा, कि जब यदि आप हिम्मत करोगे तो खुदा भी आपकी मदद करेगा और प्रयास परिवार तो आपके साथ सदैव खड़ा है। प्रयास एजु हब पर जाकर आप इसका प्रमाणिक जो है सॉल्यूशन वीडियो जो है आप देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, जब लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तब वो प्रश्नों के आंसर लेकर इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा और हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपके बीच प्रमाणिकता के साथ हम उपलब्ध होते रहेंगे। और मैंने कहा है कि गागर में सागर जो पुस्तक है उससे 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू आपके जो है इस पेपर में मिले हैं और आप उसे देख सकते हैं, पेज नंबर भी हमने बताए हैं और आप हमारे साथ जुड़िएगा। और बहुत बहुत बधाई जो ग्रेड सेकंड के इस महा उसमें सम्मिलित हुए हैं और महासमर जो है इस समय आपके सामने है, ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी आने वाला है। तो विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और प्रयास ऑनलाइन स्टडी जो आपके टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका पूरा विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।